इसके अलावा दो क्वेश्चंस मैंने अपने इंस्टा पे भी अपलोड किए हैं उनके नोट्स आप वहां से जाके देख लीजिएगा अगर किसी के पास लिंक नहीं है इंस्टा का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अच्छा जी आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो एक पीस सेटलमेंट हुआ था 1814 टू 1815 में तो उसने किस तरह से यूरोप में एक बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर किया तो उन हम पॉलिसीज को देखेंगे तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं देन हम उनको डिस्कस कर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है जी फर्स्ट हेडिंग रीड्रॉइंग द मैप ठीक है दोबारा से मैप को रिड्रॉ किया गया डिफरेंट टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट स्टेट्स में और वहां पे दोबारा से जो हैं उनको अंडर रूल लेके आया गया ठीक है फिर लिजिटमेसी एंड रिस्टोरेशन यानी यहाँ पे अगेन ए मुकज को लेके आया गया और वहां पे जो uh, उनके uh, पिछले प्रिंसिपल्स uh, चलते आ रहे थे उनको अगेन से रिस्टोर किया गया देन बफर स्टेट्स बफर स्टेट बनाएगी जो कि डिफरेंट मामालिक के, uh, uh, के दरमियान uh, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सेटल uh, uh, करने के लिए उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए बफर स्टेट्स जो है वो बनाएगी देन कंसर्ट ऑफ यूरोप हुआ कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप में ये कांग्रेस मीटिंग थी कह लें जिसमें डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा अगर किसी एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कोई इशू है या उनका को, कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी चीज को लेके तो उसको रिजोल्व किया जाएगा देन बैलेंस ऑफ पावर यानी हर स्टेट जो है उसको इक्वल राइट दिए जाएंगे इक्वल बैलेंस ऑफ पावर दिया जाएगा हर एक जो है वो स्टेट जो है अपने आप में डोमिनेंट स्टेट होगी कोई बड़ी स्टेट नहीं होगी कोई छोटी स्टेट नहीं होगी ठीक है देन है जी कम्पनसेशन एंड मैकेनिज्म यानी मैकेनिज्म एक इम्प्लीमेंट किया गया जिसमें अगर किसी स्टेट uh, का लॉस होता है इन रिटर्न दूसरी स्टेट के uh, साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो उसको रिस्टोर किया जाएगा कम्पनसेट किया जाएगा देन सेवंथ पॉइंट हमारा बनता है जी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक कह लेंगे शॉर्ट सा पीस एग्रीमेंट किया गया जिसको लॉन्ग नाइनटीन सेंचुरी भी कहा जाता है तो ये आज के हमारे इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट बनते हैं बाकी मैंने बातों बातों में आपको शॉर्ट सी इनकी डिस्क्रिप्शन दे दी है वर्बली तो होप सो आपको समझ आ गई होगी अच्छा जी ये देख लें ये स्टार्ट करी मैं पीस सेटलमेंट ऑफ एटीन फोरटीन टू एन विच मार्क द एंड ऑफ दियनिक वार्स एंड द ऑफ़ द फ्रेंच रेवल्यूशन एंड नेपोलियन बोना पार्टी यानी ये जो पीस सेटलमेंट हुआ इसनेपोलियन बोना पार्टे का जो एक ईरा था उसको खत्म कर दिया उसको वेनिश कर दिया ठीक है देन इस जो ये जो पीस सेटलमेंट है इसको कहते हैं कांग्रेस ऑफ बहाना ठीक है ये एक डिप्लोमेटिक गैदरिंग थी डिफरेंट ममालिक वहां पे इकट्ठे हुए थे बड़ी जो स्टेट्स थी स्पेशली वहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने डिफरेंट रूल्स बनाए कुछ पॉलिसीज बनाई उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए कि फर्दर यूरोप में इस तरह से हम हर जो मुल्क है हर जो स्टेटस को इस तरह से लेके चलेंगे ठीक है तो उसमें मेन पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं अच्छा जी डी ड्राइंग द मैप इसमें क्या किया गया कि मेजर जो, जो यूरोप पार्ट्स थी जैसे कि ब्रिटेन रशिया प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया उन्होंने मिल काम किया और उन्होंने न्यू बैलेंस ऑफ पावर को रीअरेंज किया डिफरेंट बाउंड्रीज को रीअरेंज किया और जो 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 बहुत सी जो छोटी मोटी स्टेट्स थी उनको बड़ी स्टेट्स के अंद, अंदर अंडर लेके आए ठीक है वहां पे अपना रूल आ, जो है वो लेके आए और पार्ट्स को बैलेंस किया लिजीटमेसी एंड इसमें क्या हुआ कि प्रिंसिपल लिजिटमेसी को अगेन से किया गया और जो उनके ट्रडिशनल फैमिली रूल चलते आ रहे थे उसको अगेन से रिस्टोर किया गया स्टेबिलिटी लाने के लिए और नेपोलियन की जो नॉर्म्स थी उनको खत्म करने के लिए देन बफर स्टेट जैसे मैंने आपको बताया कि बफर स्टेट्स बनाएगी बफर मीन न्यूट्रल यानी दो मुल्क के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको खत्म करने के लिए तो यहाँ पे एग्जांपल है किंगडम किंगडम ऑफ नेदरलैंड जो है उसको एक बफर स्टेट कंसीडर किया गया बनाया गया बिटवीन फ्रांस एंड जर्मन स्टेट्स फिर है जी कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप ये एक कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप में क्या हुआ क्या सिस्टम ऑफ रेगुलर डिप्लोमेटिक मीटिंग्स अमंग मेजर पार्ट्स टू एड्रेस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद आप इनमें चीजें अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो आपने मेटीरियल स्टडी किया अपने नोट्स में ऐड किया उन पॉइंट्स को भी लाजमी इसमें ऐड किया ये डिस्क्रिप्शन जो पॉइंट्स की मैं बता रही हूँ ये इनफ नहीं है एटलीस्ट सेवन टू एट लाइन्स आपकी होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन की अगर आ, साथ में आ, आप बुक्स और रे, आ, बुक रेफरेंसेज और कोटेशन वगैरह ऐड करें उनको निकाल के ठीक है देन उनको आप ऐड करें तो इस तरह से आपका एक हेडिंग जो है वो कम्प्लीट होगी अच्छा जी बैलेंस ऑफ पावर पाड़ आ पारा जाएगा हर स्टेट जो है उसको इक्वल पावर दी जाएगी कोई भी डोमिनेंट स्टेट नहीं होगी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं होगी दूसरी से देन कंपनसेशन की जाएगी गेन और लॉस में जो है वो जो कंपनसेशन किया जाएगा ठीक है बैलेंस किया जाएगा देन है जी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया तो उसको लॉन्ग नाइनटीन सेंचुरी का नेम दिया गया और ये काफी अर्से, अर्से तक वहां पे चलता रहा अच्छा यहाँ हम फेमस कोर्ट देख लेते हैं यानी स्कॉलर्स की कोर्ट देख लेते हैं इसमें सबसे पहले हैं जी हेनरी की सिंगर डिप्लोमेसी ये क्या कहते हैं जी द कांग्रेस ऑफ वियाना इन 1814 एस्टैब्लिश अ न्यू इक्विलिब्रियम इन यूरोप विद द मेजर पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट एनी सिंगल नेशन फ्रॉम डोमिनेटिंग द कॉन्टिनेंट के कांग्रेस ऑफ वियाना जो एक पीस सेटलमेंट हुई 1814 uh, और 1815 इसने एक इक्विलिब्रियम यूरोप में कायम कर दिया जिससे हर जो नेशन है उसको इक्वालिटी uh, दी गई उसको इक्वल कह लो के राइट्स दिए गए कोई भी स्ट्रांग नहीं थी कोई भी किसी से बढ़के नहीं थी कोई डोमिनेंट नहीं थी ठीक है देन है uh, जी हमारे पास पॉल डब्ल्यू शोरीडर रीडर ये क्या कहते हैं जी द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप फॉर्म एट दी कांग्रेस ऑफ वियाना लेड टू द ग्राउंड वर्क फॉर द सिस्टम ऑफ डिप्लोमेसी एंड कॉपरेशन अमंग यूरोपियन पार्ट्स दैट हेल्प मेंटेन पीस फॉर मच ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी फिर है जी एजीपी जी सेटलमेंट ऑफ एनली एंडोशियार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट इसने ना सिर्फ एक uh, कह लें कि एक फ्रेमवर्क दिया डिप्लोमेसी का बल्कि इसने फर्दर लार्ज स्केल पे जो कॉन्फ्लिक थे उनको भी खत्म करने के लिए फर्दर प्रिवेंशन बनाई देन जी जॉर्ज एफ कैनन ये क्या कहते हैं द कांग्रेस ऑफ व्याना इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी वी मेजर पार्स एग्री टू वर्क टुगेदर टू मेन स्टेबिलिटी एंड टूमेंट द रिसर्जेंस ऑफ एग्रेसिव एम्पायर ठीक है बहुत इजी वर्डिंग है और इजी कोर्स हैं अगर दो से तीन बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी देन है जी फिफ्थ वन रिचर्ड जे एवं ये क्या कहते हैं पीस सेटलमेंट ऑफ एटीन फोर्टीन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन हिस्ट्री एज इट डेमोन्स्ट्रेटेड दिलिंगनेस ऑफ मेजर टू कॉपरेट एंड

थर्ड वन है जी द कॉन्ग्रोसो बियाना पार एंड पॉलिटिक्स आफ्टर नेपोलियन बाय ब्रियन ई विक और फोर्थ वन है जी हमारे पास द एज ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिएक्शन 1789 टू 1850 बाय चार्ल्स ब्रनिंग फिफ्थ वन है जी द यूरोपियन पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एनसाइक्लोपीडिया एडिटेड बाय स्पेंसर सी तुकर ठीक है तो ये पांच बुक बुक्स के रेफरेंसेस हैं देन आपके पास पांच ही फेमस स्कॉलर्स की कोर्ट्स हैं तो काइंडली आप इनको लाज तैयार करिएगा लाज तैयार करिएगा और अपनी डिफरेंट हेडिंग्स में इनको रिलेट करके जो जहाँ सेट होती है उसको वहां पे सेट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें ठीक है अगर कोई पर्सनली अपने हैंड रिटन सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है मतलब किसी भी सब्जेक्ट के और आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं दिखा सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं या मजीद आप चीजें ऐड करना चाहें इन क्वेश्चन में तो आप uh, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं बाकी ऑप्शनल के भी MCQs मैंने अपलोड किए है सारे साथ यूरोपियन हिस्ट्री के तो डिटेल मैं कर चुकी हूं। वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे सी एस के लिए भी मैंने मेटीरियल अपलोड किया है काइंडली चैनल विजिट कर लें प्लेलिस्ट में आपको मेटीरियल मिल जाएगा थैंक यू सो मच चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो थैंक यू सो मच